चलिए भाई, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप कैटायंस की। यस, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हम पढ़ रहे थे कैटायंस, और कैटायंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप कैटायन। तो फर्स्ट ग्रुप कैटायन हमें पता था प्रभा होगी आगे, इनका ग्रुप बी एजेंट था डाइल्यूट HCl। जब हम डाइल्यूट HCl डालेंगे ना इसमें, तो डाइल्यूट HCl डालते आपका बनेगा PbCl2, ये बनेगा आपका Hg2Cl2, ये बनेगा आपका AgCl। तीनों के तीनों वाइट होते हैं, याद करिए। ये वाइट PPT जो था, हमने पहले इसमें डाइल्यूट HCl डाला था, फर्स्ट ग्रुप के टाइम का PPT आ गया था। फर्स्ट ग्रुप के टाइम का PPT आने के बाद इसे फिल्टर किया था, फिल्टर करने के बाद ये प्रेसिपिटेट अपन ने यहाँ रख दिया था। अब अगर ये प्रेसिपिटेट अपन यहाँ रख रहे हैं, इस प्रेसिपिटेट को उठा करके मैंने डाल दिया खाली टेस्ट ट्यूब में। खाली टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी, वाटर एंड बॉइल। बॉइल करते ही क्या होगा, एंड फिल्टर, बॉइल करके फिल्टर कर लेंगे। तो जब फिल्टर करेंगे तो जो PbCl2 है वो आ जाएगा आपका फिल्ट्रेट में। ये फिल्ट्रेट में क्यों आया सोचो, क्योंकि PbCl2 जो होता है वो कोल्ड वाटर में स्परिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल। तो हमने क्या करा, पहले इस प्रेसिपिटेट को लिया, पानी में डाल दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब में पानी डाल दिया, फिर उसे बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद उसे फिल्टर कर लिया। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर बॉईल करते समय वाइट पीपीटी डिसअपियर हो गया तो आपका यहीं पर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेड प्रेजेंट था, बाकी दोनों एब्सेंट थे, यानी कि Ag+ और Hg2+2 एब्सेंट है। अब अगर बॉईल करते समय आपका पीपीटी डिसअपियर नहीं हुआ तो चेक करना पड़ेगा कि लेड का आइडेंटिफिकेशन करना होगा इस फिल्ट्रेट से। अभी इसके अंदर अब दो चीजें और है, अभी AgCl प्लस Hg2Cl2 का वाइट पीपीटी। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट में आपको डालना पड़ेगा अमोनिया सॉल्यूशन एंड फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन डालने के बाद उसे फिल्टर करेंगे तो जो Ag+ होगा वो तो ये कॉम्प्लेक्स बना के इसमें आ जाएगा फिल्ट्रेट में, ठीक है। और ये जो बचा वाइट प्रेसिपिटेट वो Hg2Cl2 का होगा, ठीक। अब ये जो HgCl2 का वाइट पीपीटी होता है ना, ये जो अमोनिया सॉल्यूशन आपने डाला था उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके ये Hg+HgNH2Cl में आ जाता है। Hg का ब्लैक पीपीटी होता है, इसका वाइट होता है, ओवरऑल आपको क्या दिखाई देता है, ब्लैक। यानी कि एक ये वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा मरकरी का है। इस तरह से आपने ये तीनों को अलग अलग किया है। दोबारा समझेंगे क्या हुआ था, ये फर्स्ट ग्रुप कैटायन थे, पता है एक डाउट आ रहा है आपको भयंकर, पता है क्या कि सर वो जो आपने लिखाया था डाइल्यूट HCl, फिर उसमें लिखाया था H2S गैस इन एसिडिक मीडियम, फिर लिखाया था NH4OH, सर ये क्या है? ये ग्रुप रिएजेंट, इनका काम होता है इन ग्रुप के जितने भी कैटायंस हैं उनको अलग अलग करना। तो जब वो HCl डाला था हमने ये, तो इन तीनों का पीपीटी बना के लिया आया था वाइट, और वो वाइट पीपीटी हमने अलग रखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, उस वाइट प्रेसिपिटेट में कौन से कैटायन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए इन तीनों को फिल्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि अलग अलग फॉर्म में लाना पड़ेगा, अपने अपने आयंस में लाना पड़ेगा। तो इसलिए इस पीपीटी में पानी डाला, बॉईल किया और फिल्टर किया, पानी डाला, बॉईल किया और फिल्टर किया, पानी डाला, बॉईल किया और फिल्टर किया। तो फिल्टर करने पर फिल्ट्रेट जो आएगा उसमें सिर्फ लेड कैटायन हो सकता है। अभी अभी टेस्ट करेंगे अपन, अभी पता नहीं चला लेड है कि नहीं है। फिर रेजिड्यू जो बचा वो वाइट पीपीटी होगा। अगर ये वाइट पीपीटी नहीं बचता तो कंफर्म हो गया कि लेड ही था, क्योंकि यहाँ वाइट दिख रहा था, और वो पानी डाल के जब उबाला तो गायब हो गया, इसका मतलब वो लेड का था। अब ये वाइट पीपीटी दिखा, इस वाइट पीपीटी को हमने अमोनिया सॉल्यूशन डाल दिया, वाइट पीपीटी में अमोनिया सॉल्यूशन डाल के हिला लिया, डिसॉल्व कर लिया। तो इसमें अगर सिल्वर होगा तो वो अमोनिया में सॉल्युबल हो जाएगा,
अमोनिया में सोल्यूबल होकर ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा सोल्यूबल, इसमें आपका रिएक्ट टेस्ट आ सकता है Ag+। फिर इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तो ये तो फिल्ट्रेट में चला गया और ये बचा रेजिड्यू, इसमें वाइट पीपीटी है, ये वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब वो मर्क्यूरी आयन का ही है। ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है, ये Ag2Cl2 है, ये NH4OH से रिएक्ट करता है, और ये Ag2Cl2 इस NH4OH से रिएक्ट करता है, तो Hg+HgNH2Cl बनाता है वाइट पीपीटी, ओवरऑल आपको ब्लैक दिखाई देता है। इस तरह से ये तीनों का हमें पता लगा। अब हम एक एक करके कैटायन का पता लगाएंगे कि इस फिल्ट्रेट में लेड है कि नहीं है, इस फिल्ट्रेट में सिल्वर है कि नहीं है, तो टेस्ट लगाएंगे। तो अब हम रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएजेंट पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ताकि आप उन रिएजेंट्स का इस्तेमाल कर सकें उस की पॉइंट की हेल्प से। ये की पॉइंट आप पहले अच्छे से लर्न कर लेना, ये की पॉइंट आप पहले अच्छे से बोलो क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ये की पॉइंट आप अच्छे से क्या करेंगे पहले बताओ, लर्न, ठीक। पहला की पॉइंट है, अगर कभी पी ब्लॉक एलिमेंट हो सॉल्ट के अंदर और वहां पर ये एक्सिस ऑफ Ki आ जाए, तो आपको बोलना है सॉल्युबल। अगर आपका डी ब्लॉक आ जाए और एक्सिस ऑफ Ki आ जाए, तो बोलना है इनसॉल्युबल, एक्सक्लूडिंग मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अगर आई माइनस से रिएक्ट करेगा, तो इनिशियली आपका ये पीपीटी बनाएगा स्कारलेट रेड, और वो एक्सिस में सॉल्युबल हो जाता है एक्सिस ऑफ Ki में, और बना लेता है Hg(I)4)2-। तो डी ब्लॉक में सिर्फ मर्क्यूरी सॉल्युबल होता है, रीजन पूछे कोई क्यों, अरे यार उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है यार, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जल्दी कर सकता है, इसलिए वो आई के साथ भी आके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। अगली बात, अगर आपके डी ब्लॉक आ जाए प्लस एक्सिस ऑफ साइनाइड एंड अमोनिया लिख दे, तो आपको बोलना है सॉल्युबल, ठीक, एक्सक्लूडिंग Fe+2, यानी कि Fe, चाहे वो +2 हो +3 हो, Mn+2, Hg+2, Hg2+2 और Cr+3, ये एक्सक्लूडिंग होगा, एक्सक्लूडिंग फॉर अमोनिया, एक्सक्लूडिंग फॉर अमोनिया, यानी कि साइनाइड में तो सॉल्युबल हो जाएंगे ये, लेकिन अमोनिया के लिए ये एक्सिस में इनसॉल्युबल होंगे, और क्रोमियम वाले के लिए आएगा स्लाइटली सोल्यूबल, जो स्लाइटली सोल्यूबल होंगे उसको भी इनसोल्यूबल ही बोलते हैं। पूछो क्यों, मान लो एक कर्ड रखा हुआ है, कर्ड में कुछ डाला और उसमें से कुछ सोल्यूबल होके चला गया पार्ट, तो आपको अभी भी दिखाई देगा नहीं देगा कर्ड, तो स्लाइटली अगर सोल्यूबल हुआ तो इसका मतलब अभी भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रेसिपिटेट तो अभी भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सोल्यूबल थोड़ी कहेंगे, ठीक है। तो स्लाइटली सोल्यूबल वर्ड इसलिए लिखा है कि अगर बहुत स्पेसिफिक सवाल हो जाए कि इनमें से कौन स्लाइटली सोल्यूबल है, तो फिर वो क्रोमियम होता है, ठीक है। अगला, अगर आपका पी ब्लॉक आ जाए प्लस एक्सिस ऑफ अमोनिया या साइनाइड आ जाए, तो आपको क्या बोलना है, इनसॉल्युबल, क्या बोलना है, इनसॉल्युबल। तो ये आपका की पॉइंट हो गया। अभी और भी की पॉइंट है, इसको मिटाना पड़ेगा, पहले आप इसको अच्छे से याद रखें। अगर पी ब्लॉक है तो एक्सिस ऑफ Ki में सोल्यूबल, डी ब्लॉक इनसोल्यूबल, एक को छोड़ के Hg को। अगर डी ब्लॉक है तो साइनाइड और अमोनिया एक्सिस में है सोल्यूबल, और पी ब्लॉक इनसोल्यूबल। डी ब्लॉक में अमोनिया में कौन कौन इनसोल्यूबल है, अमोनिया में इनसोल्यूबल कौन कौन है, ये लो, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसके बाद अभी और भी की पॉइंट देखो, देखो इधर, अगर मैं यहां बात करूं कि Ag, Hg और Au और Pt, अगर आप देखो तो ये नेटिव मेटल्स होते हैं, ये नेटिव मेटल अगर NaOH आ जाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए,
नेटिव मेटल से ये, अगर ये NaOH आ जाए तो हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की जगह ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाते हैं। तो Au और Pt तो हमारे सॉल्ट में है ही नहीं, Hg प्लस टू है, Ag प्लस है और Hg2 प्लस टू है, ठीक है, ये साइड में लिख लेना ऐसे Au और Pt। ये अगर तीनों NaOH से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा अपना पहले कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, क्यों, ये, और ये तीनों फिर एक्सिस ऑफ NaOH में, एक्सिस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल। अब NaOH में कौन कौन सॉल्युबल होते हैं ये आपने पहले भी पढ़ा था, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, तो पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में ये जो थे ये एम्फोटेरिक होते हैं, क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और अगर यहां पर कहीं पर भी एक्सिस ऑफ NaOH आ गया तो आपको क्या बोलना है, सोल्यूबल, क्योंकि ये जो एम्फोटेरिक होते हैं वो सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं। तो ये एक्सिस ऑफ इनसोल्यूबल क्यों हुए, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है। तो ये नेटिव मेटल्स होते हैं, नेटिव मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो तुरंत टूट करके अपने कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में आ जाते हैं। तो जब भी इनकी रिएक्शन NaOH के साथ आएगी तुरंत आपको ऑक्साइड्स बना लें, और इनके ऑक्साइड्स फिर एक्सिस ऑफ NaOH में इनसोल्यूबल होंगे। ये जितने एम्फोटेरिक है ये सारे के सारे सोल्यूबल हो जाएंगे किसमें, एक्सिस ऑफ NaOH में। ये आपका की पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे दिमाग में। तो जैसे ही आप याद करें, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर को पॉज करेंगे, पॉज करके इसको पहले याद करेंगे, याद करने के बाद ही आगे का वीडियो देखेंगे। ये IIT की कसम है, जिसने भी नहीं किया वो फेल हो जाएगा IIT में, ये गारंटी है। एडमिट कार्ड भूल जाएगा, अगर एडमिट कार्ड लेके जाएगा तो भी साले लूज मोशन आ जाएगा, पानी नहीं मिल पाएगा और कहीं भी जा नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, और फिर पेपर के साथ क्या होगा ये तो सोच नहीं पाएगा। अगर पोस्ट करके कोई आज आगे बढ़ गया, अगर इसको बिना याद किया, अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, एक भी बच्चे ने किया तो सोच लेना बस, क्लियर हो गया। बिना इसके आगे पोस्ट कर दो वीडियो, याद करो पहले इसको, फिर आगे बढ़ो ताकि कनेक्ट कर सको, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं अपन रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करें पीवी प्लस टू की, पहली रिएक्शन है KI से, KI से रिएक्ट कराएंगे तो PbI2 बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट, क्या बना ये, येलो प्रेसिपिटेट। अब बताओ एक्सिस में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, ये एक्सिस KI, यस सॉल्युबल, PbI4-2 सॉल्युबल, क्लियर। दूसरा देखो PV+2 की रिएक्शन अगर हमने कराई, किससे कराई बताओ, KI के बाद दूसरा रिएजेंट लेना है आपको KCN, KCN से कराएंगे साइनाइड वाइट। एक्सिस में बोलो फटाफट, याद करके बोलना है, याद, जब तक याद नहीं होगा ये रिएक्शन है समझ में नहीं आएंगी। तो जिन बच्चों ने याद किया वो रिवाइज करो, बोलो फटाफट क्या आएगा यहाँ पे, ये पी ब्लॉक है तो क्या बोलना है यार, इनसॉल्युबल। अगर मैं क्रोमेट लेता हूँ तो आप सबको पता है क्रोमेट लेड क्रोमेट बनेगा, और हमने पढ़ा था चार पीले दो लाल, समझ में आया सिंदूरी लाल, क्या पढ़ा था, चार पीले दो लाल, समझ में आया सिंदूरी लाल, क्या पढ़ा था जल्दी बताओ, चार पीले दो लाल, समझ में आया सिंदूरी लाल। तो ये चार पीले दो लाल से ये येलो बनाता है। उसके बाद है NaOH, NaOH से ये कराओगे ये बनेगा लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट, और ये वाइट प्रेसिपिटेट की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप एक्सिस से NaOH लेते हैं तो बताओ क्या ये एम्फोटेरिक है, यस ये एम्फोटेरिक है। तो अगर ये एम्फोटेरिक है तो क्या ये सॉल्युबल हो जाएगा, यस ये सॉल्युबल हो गया। अब इस सॉल्युबल हो गया तो इसके अंदर अगर ये अभी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी प्लस टू, अगर मैं इसके अंदर H2O2 डाल दूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और अगर मैं ये परऑक्सो डाइसल्फेट डाल दूं तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस प्लस टू को ये ऑक्सीडाइज करके PbO2 में ले जाएंगे, PbO2 का जो है वो कलर क्या आएगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है ये, ठीक है।
क्लियर, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Pb प्लस टू की रिएक्शन अगर मैं NH4OH, ये जो NH4OH है इसी को अमोनिया बोलना है। Pb कहीं पर भी NH4OH आ जाए इसको आपको हमेशा NH4OH को हमेशा अमोनिया प्लस वाटर ही मानना है। क्या बोला जल्दी बताओ, NH4OH को बोलो अमोनिया प्लस वाटर ही मानना है। रिएक्शन होगी इसकी, ये आएगा आपका PbOH होल ट्वाइस, एक्सिस में आप बताओ क्या होगा, इनसॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक नहीं है। इनसॉल्युबल क्योंकि ये डी ब्लॉक नहीं है। देखो चार रिएक्शन तो मैंने आपको की पॉइंट बता दिया था, KI का, साइनाइड का, NaOH का, इसका। ये एनायन में पहले पढ़ चुके थे PbCrO4। ये H2S से रिएक्शन एक और इंपॉर्टेंट आएगी। चार तो की पॉइंट से करना है और एक H2S वाली रिएक्शन याद करनी है, बाकी रिएक्शन है एनायन में पढ़ चुके होंगे आप। जब इससे कराएंगे तो इनिशियली आपका बनता है ये PbSCl2 रेड कलर का, और अगर इसके अंदर आप डाइल्यूशन कर दें सॉल्यूशन का तो ये डिकम्पोज हो जाएगा वापस से PbS प्लस PbCl2 में। ये होता है ब्लैक, ये होता है वाइट, और यहां पर अगर आप एक्सिस में थोड़ी पास कर रहे हैं H2S तब भी ये डिकम्पोज हो जाएगा और बना देगा PbS प्लस PbCl। ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये जो PbS है, अगर इस PbS में आप H2O2 डाल दो तो ये H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करके PbSO4 वाइट में ले आएगा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब पेंटिंग्स होती है ना वो ब्लैक हो जाती है, तो ये जो पेंटिंग से ये ब्लैक हो जाती है, उन ब्लैक पेंटिंग्स को साफ करने के लिए उसकी रिएक्शन फिर H2O2 डालते हैं उसमें। H2O2 डाल के उसे जब क्लीन करते हैं तो H2O2 से ये PbS का जो ब्लैक कलर आया था वो हट जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 का वाइट प्यूपिटी बनाता है, पानी के साथ निकल जाता है, इनसॉल्युबल होकर। तो यहाँ पर ये आपका ब्लैक पेंटिंग्स को साफ करने में यूज किया जाता है H2O2 का, H2O2 का यूज है ये, रिएक्शन ये होती है। ठीक है, ये आपका लेड हो गया। ठीक है, लेड की रिएक्शंस हो गई, बहुत सिंपल है। अब एक छोटे सा बात इसमें पूछता है कि जो PbCl2 था ना स्टार्टिंग में जो बना था, ये PbCl2 वाइट कलर का था, तो ये वाइट पीपीटी जो होता है वो निडल लाइक क्रिस्टल्स आती हैं इसकी, वाइट निडल लाइक क्रिस्टल्स। अब अगर इसमें NH4OH डाल दें तो क्या होगा, तो देखो कोई चेंज नजर नहीं आएगा, विजिबल चेंज। क्या बोला मैंने, कोई विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि ये भी वाइट ही होगा। तो इसको एक लाइन बोल सकते हो आप, पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन हुई है एक तरह से ये। यार वाइट पीपीटी PbCl2 का था, अमोनिया सॉल्यूशन डालने पर वो वाइट पीपीटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप विजिबल चेंज नहीं आया, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, वाइट था और वाइट ही दिखा, कंपाउंड चेंज हो गया बस। तो जब आप PbCl2 में अमोनिया यानी NH4 PbCl2 के वाइट में जब NH4OH डालते हैं तो आपके लेड हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी ही बनता है, तो वो वाइट पीपीटी चेंज नहीं हुआ है कलर, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट बदल गया। तो बस ये ध्यान रखना, कभी ABCD वाले जब कॉम्प्रिहेंशन सवाल आते हैं ना उनमें इस तरह के हिंट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट, जल्दी से दिमाग में बिठा लो फटाफट। हो गया, आगे देखो। अब एक खास बात और आएगी कि Pb+2 जब Na2CO3 डालते हैं, अब यहाँ Pb+2 उसमें बाहर से Na2CO3 डाल रहे हैं, और अगर कार्बोनेट होता और कार्बोनेट में बाहर से डालते लेड नाइट्रेट, तो जब Na2CO3 ज्यादा होता है तो ये आपका बेसिक लेड कार्बोनेट बनता है, वाइट लेड। इसका एक खास नाम होता है वाइट लेड। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, जब आप बाहर से क्या डाल रहे हो, लेड कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट डाल रहे हो, तो बेसिक लेड कार्बोनेट बनता है जिसका नाम होता है वाइट लेड, और इसका कलर भी वाइट ही होता है। अरे यार इसका डाउट ये है बेटा कि जब हम कार्बोनेट में कर रहे थे तो PbLead नाइट्रेट डाला था, जब PbCO3 लिखा था आपने, और अब यहाँ पर आप बेसिक लेड कार्बोनेट,
तो सिंपल है ना, कार्बोनेट ज्यादा होगा तो बेसिक लेड कार्बोनेट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रिएजेंट आप कार्बोनेट डाल रहे हो इसलिए बेसिक लेड कार्बोनेट में जाएगा, ठीक है। ये आपका लेड समाप्त। अगला आएगा आपका सिल्वर। अब इस सिल्वर की रिएक्शन है आप खुद बताएंगे मुझे। Ag प्लस प्लस Ki, ठीक है, ये बना AgI, AgI का येलो पीपीटी, ठीक है। दूसरा Ag प्लस और KCN, AgCN, Ag प्लस प्लस K2CrO4, ये बता दिया था मैंने Ag2CrO4। ये Ag प्लस प्लस NaOH, Ag प्लस प्लस NH4OH, Ag प्लस प्लस H2S, ठीक है। एक केसी के आई का की पॉइंट बताया था, साइनाइड का की पॉइंट बताया था, इसका मैंने पहले बता दिया चार पीले दो लाल, फिर ये एनओएच का की पॉइंट बताया था और अमोनिया वाला की पॉइंट बताया था और H2S बताया एक। अब आपको खुद ही बताना है, चलो ये बताओ AgI सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल एक्सिस में, एक्सिस ऑफ KI में, जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या होगा? इनसॉल्युबल। एक्सिस ऑफ KCN में बोलेगा तो सॉल्युबल, सॉल्युबल, क्लियर। Ag2CrO4 से रिएक्शन कराएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो एक्सिस में वर्ड ही नहीं आता। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Ag2O, Ag2O एक्सिस में बोलेंगे तो इनसॉल्युबल, क्योंकि एम्फोटेरिक नहीं है। अब एक सवाल, यहाँ हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बना? मैंने मना किया था ना, हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये नेटिव मेटल है तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। अभी की पॉइंट बताया था, ये अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनिया के साथ रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, पहले तो बनेगा Ag2O, फिर ये एक्सिस ऑफ अमोनिया लिया हुआ है तो वही सॉल्युबल होकर के कॉम्प्लेक्स बना लेगा। Ag2O का कलर आपको बताया था पहले भी, H2S से कराएंगे तो Ag2S का ब्लैक पीपीटी बनेगा। नोट करो इसको फटाफट, चलो जल्दी। हो गया, अब देखो आगे, नोट करके इम्पोर्टेंट है, ये जो आपका Ag2S है इसके लिए लिखेंगे हम इनसॉल्युबल इन अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम पॉलीसल्फाइड, अमोनियम पॉलीसल्फाइड ऐसे लिखते हैं, या x की वैल्यू 2 से लेके 6 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद थायोसल्फेट, साइनाइड एंड अमोनिया सॉल्यूशन, तीनों में इनसॉल्युबल है। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर सवाल आता ही है, ये किस किस में इनसॉल्युबल है तो बता देंगे। चलो करो फटाफट। अब यहाँ एक सवाल और आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे AgCl का वाइट पीपीटी जो था अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, अगर अमोनिया लिया था अपन ने तो अमोनिया में सॉल्युबल हो गया था ये, और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया था ये, फिर अपन ने क्या लिया था वहां पर, थायोसल्फेट या साइनाइड, तो ये आपका AgCN होल टू बन गया था, और फिर अपन ने लिया था यहाँ पर थायोसल्फेट,
तो ये आपका Ag2S2O3 होल टू माइनस बन गया था 3। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बने थे सारे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर सवाल कह रहा है कि अगर मैं इसमें H2S पास करूं तो क्या H2S इससे रिएक्ट करके Ag2S बनाएगा? तो आंसर यस। पूछो क्यों? क्योंकि H2S इससे रिएक्ट करके Ag2S बनाएगा और वो Ag2S इस अमोनिया में क्या है? इनसॉल्युबल। अमोनिया में इनसॉल्युबल है तो Ag2S दिखाई देगा। यहां H2S से पास करके हम बनाएंगे इससे तो क्या बनेगा? Ag2S। यहां पर भी साइनाइड में इनसॉल्युबल, Ag2S से पास करोगे तो क्या बनेगा? Ag2S इनसॉल्युबल। मतलब समझे आप, ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गए टुवर्ड्स H2S। क्या हो गया? ये इम्परफेक्ट सॉल्यूशन टुवर्ड्स H2S। नोट करो इसको। एक रिएक्शन और है कि जो Ag+ होता है वो इस तरह से सॉल्युबल फॉर्म में रहता है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं, तो रिएक्शन में बनेगा आपका Ag+N2+ sulfate+NH4+ अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट पूछता है कौन सी गैस निकल रही है, तो N2 गैस। N2 गैस ऐसी है जो आपके क्या है, डायमैग्नेटिक है और बहुत हाई बॉन्ड एनर्जी वाली। मतलब एक हिंट देगा इसका, पकड़ लेंगे आप देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये रेडॉक्स हुआ। Ag+ से ये रिड्यूस होकर के इसमें आया Ag में। Ag का ब्लैक पीपीटी होता है, याद करो बताया था, ठीक है। ये आपका हो गया सिल्वर समाप्त। अगला आएगा आपका मर्क्यूरस आयन। तो देखो आप अगर की पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही रिएक्शन पर स्ट्रेस देना ही है, हाइड्रोजन सल्फेट वाली, और दूसरा Ag2S के सॉल्युबिलिटी पर। Ag की एक दो रिएक्शन और होती है जो आगे आप देख सकते हैं, थायोसाइनेट से रिएक्शन कराया अगर तो ये Ag थायोसाइनेट बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट। और अगर Ag की रिएक्शन अपन फॉस्फेट से कराते हैं तो मैंने पहले भी बताया था सिल्वर फॉस्फेट बनता है, और सिल्वर फॉस्फेट जो होता है वो येलो पीपीटी होता है। क्या होता है? येलो। तो इसको नोट कर लो। Hg2+2 Hg2+2 की बात करें तो सबसे पहले वही बात है, हमारे पास जो था फर्स्ट ग्रुप केटायन का वाइट पीपीटी यही था, इसके अंदर हमने क्या डाला था? अमोनिया। रिएक्शन करके ये Hg+ HgNH2+Cl आया था, ये वाइट बना था, ये आपका जो है वो क्या था? ब्लैक। अब इसको सॉल्युबल किया जाता है एक्वा रेजिया में, ये एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होता है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है, पहली रिएक्शन वही KI से, ये Hg2I2 बनाता है ग्रीन पीपीटी। अब अगर इसको सिंपल बॉइल कर दें, यहाँ पर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि मर्क्यूरस आयन जो होता है ना, पहली बात तो याद रखना मर्करी के जितने सॉल्ट है सब बेसिक है, चाहे वो मर्करी का कोई भी हो, मर्क्यूरस का भी कोई भी, सब बेसिक है। और आपको ये भी पता है, इसको मैंने Ag2Cl2 बताया था कैलोमल एक बार, और अगर यहाँ HgCl2 होता तो कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये Hg2+2 होता है तो ये थोड़ा सा भी हीट दे दोगे तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर कर लो तो ये क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेट। तो जैसे ही बॉइल करोगे आप तो रिएक्शन में Hg और Hg2 बन जाएगा। Hg का कलर ब्लैक होता है, इसका कलर होता है स्कारलेट रेड। क्या होता है इसका कलर? स्कारलेट रेड। ठीक है, अगर यहां पर आप बॉइल कर रहे हो विथ KI तो आप समझ सकते हो अब ये Hg तो ऐसा कैसा ही रहेगा, लेकिन ये Hg I2 सॉल्युबल हो जाएगा।
यहां बनेगा ब्लैक प्लस स्कारलेट रेड, और यहां सिर्फ ब्लैक बनेगा। Fe2+2 की क्रोमेट से कराओ, हमने कहा था क्रोमेट से बनाएंगे तो रेड कलर का प्रोपीट आएगा Fe2CrO4। Fe2+2 की NaOH से कराओ, हमने कहा था कि NaOH से ये डिस्प्रोपोर्शनेट, सॉरी ये आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा बल्कि ऑक्साइड बनाएगा। की पॉइंट देखो, की पॉइंट्स ही कर रहा हूं मैं ये सब आपको, इसीलिए मैंने कहा था पॉज करके याद करो उसको पहले। अब अगर इसको हल्का सा हीट कर दो आप तो Hg+ किसमें आ जाएगा, HgO में। ये होता है ब्लैक, ये होता है येलो, और ये तो ब्लैक था इसी। देखो इसको फटाफट। अच्छा इसको अगर एक्सिस में बात करेंगे तो एक्सिस NaOH में अभी बताया था क्या होगा, ये इनसोल्यूबल। नोट करो इसको फटाफट। देखो इधर, अब अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन, देखना जरा Hg मर्क्यूरस नाइट्रेट की, मर्क्यूरस नाइट्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं NH4OH से, तो ये रिएक्ट करके बनाएगा आपका Hg, वही डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा पहले Hg.Hg NH2NO3, ये आ जाएगा ब्लैक, ये हो जाएगा वाइट, ओवरऑल आपको क्या दिखेगा ब्लैक। इसका नाम होता है ये जो लिख रहा है बेसिक मर्क्यूरी अमीडो नाइट्रेट। और अगर हम एक्सिस में बात करेंगे तो इनसॉल्युबल, क्यों, क्योंकि ये डी ब्लॉक था और मैंने कहा था एक्सक्लूडिंग, सारे सॉल्युबल थे सिवाय मर्क्यूरस, मर्करी, Fe और क्रोमियम एंड मैग्नीज। Hg2+2 की रिएक्शन, ठीक है, बेसिक अमीडो नाइट्रेट बन गया इनसॉल्युबल, H2S से कराए तो फिर डिस्प्रोपोर्शनेट होगा ये Hg+HgS, ये ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक होता है। अच्छा Hg एंड HgS सॉल्युबल होते हैं दोनों ही एक्वारेजिया में, किसमें होते हैं ये सॉल्युबल, इन एक्वारेजिया, किसमें सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, ठीक है। खास बात ये है कि ये HgS भी ब्लैक है और वो भी ब्लैक है, ये सॉल्युबल हो जाता है, सोडियम सल्फाइड में भी सॉल्युबल है एंड सोडियम पॉलीसल्फाइड में, पॉलीसल्फाइड वही जो अमोनियम सल्फाइड वाला बताया था ना मैंने, वैसे ही Na2SX आ जाएगा या जो 2 से 6 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे Hg की तो Hg जो होगा वो सिर्फ सोडियम पॉलीसल्फाइड, सोडियम डाइसल्फाइड आएगा, सोडियम डाइसल्फाइड, ठीक है। जो Hg आएगा वो सॉल्युबल होगा सोडियम डाइसल्फाइड में, किसमें सॉल्युबल होगा, सोडियम डाइसल्फाइड, बट इन सॉल्युबल इन सोडियम सल्फाइड। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो
हो गया। तो अब देखो, अगर आपसे बोले कि यार ये पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट गायब करना है, तो किससे गायब होगा? एक तो एक्वारेजिया से, क्योंकि एक्वारेजिया में ये भी सोल्युबल है और ये भी सोल्युबल है, पूरा का पूरा गायब। और दूसरा, ये आपका पूरा का गायब हो जाएगा एक्वारेजिया में। और दूसरा, सोडियम डाईसल्फाइड में, ये डाईसल्फाइड येलो कलर का होता है, जैसे अमोनियम पॉलीसल्फाइड है वो भी येलो कलर का, ये आगे कल बताऊंगा सेकंड ग्रुप में। सोडियम सल्फाइड जो होता है वो कलरलेस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो, डाई अगर बोले डाई, तो डाई सल्फाइड में ये भी सोल्युबल है और ये भी सोल्युबल है, तो एक्वारेजिया में भी पूरा पीपीटी गायब हो सकता है। सोडियम डाई सल्फाइड में भी ये पूरा का पूरा गायब हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ सोडियम सल्फाइड डालोगे तो ये सोल्युबल होगा और ब्लैक प्रेसिपिटेट पीछे छूट जाएगा एचजी। ठीक है, ये आपका मर्क्यूरी आयन भी समाप्त। ठीक, बाकी नेक्स्ट क्लास पे सेकंड वाला पढ़ेंगे।